जाता है। जिन ज़बानों में ये तकसीमें इतनी ज़्यादा शार्प नहीं हैं, वहाँ ये सहूलत है कि ग्रामर पढ़ते वक्त दो चार अल्फाज हैं जो याद करने हैं, लेकिन आगे जुमले का तर्जुमा करते वक्त, बात समझते वक्त फिर उलझने पैदा होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि ये जो फॉर्मेट है अरबी में, बहरहाल ये है कि वो जैसे ये इंसिस्ट कर रहे थे कि 14 सीगे 14 ही गिने जाते हैं, इससे पहले मुतकल्लिम में जो रिपीटिशन है तस्निया और जमा की उसको वो एक मानते हैं इसलिए 14 गिनते हैं, और इससे पहले जो रिपीटिशंस हैं उनको वो काउंट कर लेते हैं। बहरहाल, और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि ज़मीरों की पोजीशंस होती हैं, तो असल में इसका लफ्ज़ है सीगा। ये 14 सीगे का जो फॉर्मेट है ये अब आपको अपने जहन में पक्का करना है, इसलिए कि वो जो 36 शक्लों का फॉर्मेट था उससे तो आपकी जान छूट गई, इससे नहीं छूटनी। इसी फॉर्मेट पे हमने ज़मीरें पढ़नी है, अभी एक ज़मीर पढ़ रहे हैं, आगे इंशाल्लाह दूसरी ज़मीर पढ़ेंगे, और अफ़आल सारे इसी फॉर्मेट पर पढ़ने हैं हमने, इसलिए ये फॉर्मेट जो है इस पे ज़रा अभी से तवज्जो देना शुरू करें, ताकि जब हम अफ़आल तक पहुँचें तो ये फॉर्मेट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। उस वक्त फिर ये सब लिखने के बजाय तीन तीन हरूफ लिखते हैं और जहन कहता जाता है कि ये मुअन्नस गायब है और ये मुज़क्कर गायब है और ये फलां है और ये फलां है। ज़मीरों के मतलब चंद बातें जो किताब में लिखी हुई हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई उलझन हो, कोई सवाल हो तो अभी मुझसे कर लें ताकि बात आपको क्लियर हो जाए। किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप सवाल नहीं कर पाएंगे। पहली बात जो हमने पढ़ी थी कि ज़मीरें जो हैं वो सारी मारफा होती हैं, उसकी वजह आपके समझ में आ गई। अब हमने ये जुमला लिखा था ना कि आया और हामिद ने दरवाज़ा खोला के बजाय हम कहते हैं उसने, तो ज़मीर जो है हमेशा किसी नोन पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए नकरा होने का सवाल ही नहीं है। यही वजह है कि ज़मीरें हमेशा मारफा होंगी। और जुमला इस्मिया का पहला कायदा हमने क्या पढ़ा था कि मुब्तदा आम तौर पर मारफा होता है। 2 + 2 = 4 क्या बना, कि ये ज़मीरें मुब्तदा बन के आएंगी। क्या माने हुए, हामिद बैठा है, और वो आलिम है। अब ये दो जुमले हैं, हामिदुन जालेसुन ये एक जुमला है, इसमें हामिदुन मुब्तदा जालेसुन खबर वा लगा के, अब ये दूसरा मुकम्मल जुमला है, यहीं से हुआ हटा दें हामिदुन लगा दें वही बात है, तो हुआ मुब्तदा है, आलिमुन उसकी खबर है। तो पहली बात तो ये कि ये ज़मायर जो हैं मारफा होती हैं और मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं।
हामिद आया उसने तो सर ये भी तो हो सकता है मैंने एक लड़का देखा वो ये कह रहा था जैसे इसमें तो नकरा है तो वो कैसे मार पाओगे जब हम ये कह रहे हैं कि मैंने हाँ उनका सवाल बहुत सही है समझें इसको ये कह रहे हैं कि एक जुमला है कि मैंने एक लड़का देखा अब तो वो लड़का जो है वो नकरा है लेकिन जब हम ये कहते हैं मैंने एक लड़का देखा और वो खड़ा था अब वो जो है उसका स्कोप वसत हाफिज अहमद यार साहब हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने जो वसत का उन्वान दिया है एक लड़का में तो वसत है ही इज एनी बॉय लेकिन जब ये कहते हैं कि वो खड़ा था तो अब वो एनी नहीं है वो अब उसी लड़के के लिए एक लड़का तो नकरे ही ट्रीट होगा लेकिन उसके लिए जो जमीर आएगी वो मारफा मानी जाएगी उसका हो चुका अब तारुफ अच्छा जी दूसरी बात ये नोट करें कि हमने शुरू में बिल्कुल पहला सबक उसमें पढ़ा था कि 99% अरबी के अल्फाज वो हैं जो रफा नसब जर में तीन शक्लें मुख्तलिफ अख्तियार करते हैं सॉरी 80-85% बाकी 14-15% अल्फाज वो हैं जो रफा में एक शक्ल होती है उनकी नसब और जर में यकसा रहती है यानी दो शक्लें होती हैं उनकी और गिनती के चंद अल्फाज हैं जो मबनी होते हैं यानी रफा नसब जर में उनकी शक्ल एक ही जैसी होती है तो गिनती के उन चंद अल्फाज में ज़मीरें भी शामिल हैं यानी ज़मीरें जो हैं ये मबनी हैं और ज़्यादातर ये जो ज़मीरें हमने पढ़ रहे हैं हम हुवा हुमा हुम ये ज़्यादातर चूँकि मुब्तदा के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है काम आती हैं तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हालत रफ़ा में है यही वजह है कि इनको ज़मायर मरफुआ यानी रफ़ा दी हुई रफ़ा में बनाई हुई किताब में लिखा हुआ है सर ज़मायर मरफुआ इसलिए इनका नाम है ज़मायर मरफुआ तीसरी खसूसियत इनकी ये भी किताब में लिखा हुआ है कि ये हमेशा अलग लिखी जाती हैं किसी लफ्ज़ के साथ मिला के नहीं लिखते इनको इसलिए इनको मुनफसला भी कहते हैं फसल दूर करना मुनफसला दूर की हुई इन दोनों में क्या फर्क है इसका तलफ़ुज अबा इसका तलफ़ुज अबा इसका तलफ़ुज अना इसका तलफ़ुज अना लेकिन कायदे के हिसाब से तो ये बनता है अना लेकिन ये लिखा इस तरह जाता है बोला इस तरह जाता है ये वाहिद एक लफ्ज़ है जो जिसको हम कहते हैं खिलाफ कायदा कायदे के ख़िलाफ़ जिसका तलफ़ुज़ है इसलिए कायदे के मुताबिक तो इसका तलफ़ुज़ होना चाहिए था
आना, लेकिन खिलाफ कायदा लिखा इसी तरह जाएगा, खिलाफ कायदा बोला जाएगा ये आना। और आखिरी बात ज़मीर के मतलब जो कुछ कहना था वो कह दिया मैंने, आगे कायदा आ रहा है, लेकिन ये समझ लें इनको याद करने का तरीका, जैसे मैंने कहा कि अब ये फॉर्मेट हमारा जान नहीं छोड़ेगा, इसी फॉर्मेट पे हमें ज़मीरें याद करनी होंगी, इसी फॉर्मेट पे हमें अफाल की गर्दानें याद करनी होंगी। तो बच्चा पार्टी तो बिल्कुल ठीक है, रट्टा लगाए ला हरज, लेकिन मेरे हमअस्र जो लोग हैं वो वही काम करें कि जो मैं करता था। जब मैंने यहाँ दाखला लिया था तो हमारे हाफिज़ रफ़ीक साहब हमारे उस्ताद थे, वो खड़ा कर देते थे कि हाँ भाई सुनाओ, तो सुनाने में तो मैं सबसे फिसड्डी रहता था और हमेशा उनसे डांट खाता था, लेकिन जब वो लिखवाते थे तो लिखवाने में अल्लाह का शुक्र है मैं कोई मात नहीं दे सका आज तक। उसका रीज़न यही है कि मैंने तरीका ये इख्तियार किया था कि जो भी याद करना है, ये इस फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है याद करना है, वो सामने रख लिया, किताब में दिया हुआ है, रफ कागज़ ले लिए, थोड़े से पेंसिल ले ली, चार पांच मरतबा उस पर नज़र दौड़ाई, जहन में दोहराया, और उसके बाद बग़ैर देखे हुए लिखना शुरू किया। जहाँ जहन अटका वहाँ मैंने किताब देखी, किताब देख के उसको लिखा, और फिर कोशिश की कि अगला लफ्ज़ बग़ैर देखे मुझे याद आ जाए। जहाँ अटकता था किताब देख के आगे चलता था और फिर कोशिश करता था आगे चलने की। चार पाँच छः कागज़ में फाड़ता था तो उसके बाद बग़ैर देखे मैं 14 सीगे कागज़ पे लिख डालता था, तो वो चूंकि कलम रवा हो जाता था तो लिखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, ज़बान रवा नहीं होती थी, बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए याद करने का ये तरीका, जो कलम को याद कराने वाला तरीका जो है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ क्लास में किसी को नहीं खड़ा करूँगा ज़बानी सुनने के लिए, मैं जब भी चेक करूँगा मैं कहूँगा कागज़ पर लिख दो। और आखिरी बात जो अब करनी है वो ये है कि जुमला इस्मिया में हमने कायदा ये पढ़ा था कि खबर आम तौर पर नकरा होती है, इस कायदे के दो इस्तेसना हैं। एक ये कि खबर अगर इसमें सिफत नहीं है तो वो मारफा हो सकती है, ये क्या है, इसमें सिफत है पढ़ाने वाला, इल्म देने वाला, ये सिफत है, इल्म जो है वो ज़ात इसमें ज़ात है। जैसे कल मैंने आपको बताया था किज़बुन झूठ ये इसमें ज़ात है, काज़िबुन झूठ बोलने वाला इसमें सिफत है, मुअल्लिमुन इसमें सिफत है, इसको नकराई होना है। अगर हम ये कहें मुब्तदा ये सिफत है, ये इसमें अलम है, मुब्तदा और खबर, अब यहाँ पे खबर इसमें अलम है मारफा है, लेकिन तर्जुमा हम यही करेंगे वो यूसुफ है, जुमला मुकम्मल हो गया है। एक इस्तिस्ना कि खबर अगर इसमें सिफत ना हो तो वो मारफा भी आ सकती है। दूसरा इस्तिस्ना ये है कि बात ये हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ समझ लें
कि बाद अवकात जुमले के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसमें सिफत को ही खबर भी लाना है और उसको मारफा भी लाना है। तो ऐसी सूरत में दरमियान में हम जमीर हायल करते हैं, जैसे ये तो सीधा जुमला है, मर्द नेक है, लेकिन अगर हम इस मर्द को अस्सालेहो कहना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि हम कहेंगे हुवा सालेह, यानी दरमियान में फिर हम ज़मीर डालेंगे और फिर खबर को मारफा लाएंगे इसमें सिफत की सूरत में। इसमें फिर एक ताकीद का मफहूम भी पैदा हो जाता है, नहीं इस जुमले के अब दो तर्जुमे मुमकिन हैं। एक तो सीधा यही तर्जुमा होगा कि मर्द नेक है, लेकिन दूसरा तर्जुमा इसका ये भी मुमकिन है कि मर्द ही नेक है, ताकीद और एम्फेसिस भी पैदा होता है इस अंदाज से। बाकी इसके जो फर्दर इम्प्लिकेशन हैं इंशाल्लाह जब तर्जुमा कुरान आएगा तो फिर बहुत क्लियर हो जाएगी ये बात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 निकाल लें और इस पे जो मश्क दी हुई है उर्दू में तर्जुमा करें, ये आप लोग करके लाएं। इसको हमने चेक करना है, लेकिन बुनियादी बात ये नोट कर लें कि तर्जुमा हम बाद में चेक करेंगे, पहले हमने जुमले के कंस्ट्रक्शन को चेक करना है, जिसे मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस ऑफ सेंटेंस हम अंग्रेज़ी में करते थे, वही काम जब अरबी में होता है तो हम उसे कहते हैं जुमले की तरकीब। तो जुमले की तरकीब जब तक समझ में ना आए उस वक्त तक ये यकीनी बात नहीं है कि तर्जुमा सही हो जाएगा, तरकीब समझ में आएगी तब तर्जुमा दुरुस्त होगा। तो पहले तरकीब पर गौर करना है और उसके बाद तर्जुमा चेक करना है। इसमें एक मसलियत ये भी है कि अब तक जुमले इस्मिया के जो कवायद आपने पढ़े हैं, तरकीब चेक करते हुए तमाम कवायद का रिवीजन होगा और ये आखिरी एक्सरसाइज है आपकी जुमला इस्मिया की। इसके बाद इंशाल्लाह हम मुरक्कबात नाक्सा की दूसरी किस्म यानी मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे, तो जाहिर है कि उसमें ज़्यादातर मशकें जो होंगी वो मुरक्कब इजाफी की होंगी, कभी कभी कोई जुमला इस्मिया भी आ जाएगा, कवायद रिवीजन हो जाएंगे, मगर कवायद के रिवीजन का ये आखिरी मौका है। अल खादिमानी अल-खादिमानिल मबसूतानी हाजिरानी वहुमा मुज्तहिदानी, अल-खादिमानिल मबसूतानी। नोट करें कि मुरक्कब तौसीफी है नंबर एक। नंबर दो ये कि ये मारफा है। नंबर तीन ये कि ये हालत रफा में है। जब ये दो बातें आप पहचानेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये मुब्तदा है। अगर इस हवाले से आपने पहचाना है कि मुब्तदा है तब तो बात दुरुस्त है, और अगर इसके बगैर आपने कहा है कि मुब्तदा है तो वह रजमम बिल गैब है, अंधेरे का तीर है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। सीगा तस्निया है, अदद तस्निया है। तो इस तरह हमने ये पहचाना है कि अल खादिमानिल मबसूतानी जो है ये मुब्तदा है और हाजिरानी ये नकरा है और हालत रफा में है। इन दो बुनियादों पर हम पहचानेंगे कि ये खबर है, फिर हम तर्जुमा सही करेंगे। तस्निये के सीगे की वजह से हम कहेंगे दो खुश दिल खादिम हाजिर हैं,
दोनों कुछ दिन नौकर और थे, मुअन्नस कहाँ से है, कौन सी अलामत है इसमें मुअन्नस की? खादिम की जमा होगी खादिमतुन, उसका तस्निया बनेगा खादिमतानी, वहुमा मुश्तहिदतानी मुश्तहिदानी। अब ये देखें हुमा की जमीर पे गौर करें, चूंकि जिसके लिए जमीर किसके लिए आ रही है, अल खादिमानी के लिए, वो तस्निया का सीगा था उसके निस्बत से तस्निया की जमीर आई है हुमा, और वह दोनों मुश्तहिदानी मेहनती हैं। तो ये क्या वाजिब है, वो दोनों, और वो दोनों मेहनती हैं। देखें ये चेकिंग आप बाद में कर लीजिएगा, अभी समझने की कोशिश करें। दूसरा जुमला है इन्नल अर्वा वस जी जी इन्नल अर्वा वस समावाती मखलूकातुम वहुन्ना आयातुम बय्यनातिन। अब इस बय्यनातुन, अब इसमें इन्ना की वजह से अल अर्वा नसब में आ गया, लेकिन ये गौर करें कि वस समावाते जर में क्यों है, किसका गैर मुकसर है, तो जो भी गैर मुकसर हो वो जर में आएगी। ये क्या बता रहे हैं, ये नसब में है, याद आया कि नहीं, आतुन आतिन आतिन, ये भी नसब में है इन्ना की वजह से। तो मालूम हो गया कि ये, और ये दोनों मारफा हैं इन्ना की वजह से, नसब में है, मालूम हो गया ये दोनों इन्ना के इस्म है। अगर आप कुरान में तो बताएं, अगर दोबारा ये चीज बता दीजिए कि किसी चीज को ये देखने के लिए कि ये मुब्तदा है, आप सबसे पहले किस चीज को देखेंगे, मुरक्कब है, मुरक्कबे तौसीफी है? सबसे पहले हम देखेंगे कि मुफरद है या मुरक्कब है, नंबर वन पहला स्टेप। उसके बाद हम उसकी वुसअत चेक करेंगे, फिर उसकी वुसअत चेक करेंगे, इसलिए कि आम पहचान यही है कि मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा होती है, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी एराबी हालत चेक करेंगे। अगर रफा में है और कोई आमिल नहीं है तो ठीक है। इसी तरीके से खबर के लिए, खबर के लिए भी वो मतलब ये कि पहले वुसअत चेक करेंगे, उसके बाद उस वसत के बाद उसकी हालत एराबी। खबर तो मतलब जिंस और अदद जो है वो तो मुब्तदा के ताबे होगा, इसलिए मुब्तदा और खबर पहचानने के लिए ये चीजें चेक करना जरूरी है। अच्छा जी, इन लावा व समावात, इन्ना की वजह से अल्लाह मारफा होने की वजह से ये इन्ना का इस्म है और नसब में है, असमावात ये भी इन्ना का इस्म है और नसब में है। अब मखलूकातुन, इसका जिन्स और अदद क्या है, मुअन्नस और जमा, तो क्यों इन्ना के इस्म तो दो हैं, ये जमा क्यों आ रहा है और मुअन्नस क्यों आया है? अर्ज वाहिद है, समावात जमा है, दोनों मिलाएंगे तो जमा बन जाएगा, नंबर वन। मुअन्नस क्यों है, अर्ज भी मुअन्नस से समाई है और समाउन भी मुअन्नस से समाई है, क्लियर हो गई बात? तो और इसकी वुसअत जो है ये नकरा है, मालूम हो गया कि ये उसकी खबर है। अब हम तर्जुमा करेंगे कि यकीनन या बेशक जमीन और आसमान, अब उर्दू में आसमान यहाँ इस जुमले में जमा नहीं आएगी, वैसे आसमानों इस्तेमाल हो जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो सकता, सारे आसमान या तमाम आसमान मखलूकात हैं, मखलूक हैं एक ही बात, वहुन्ना, अब ये जमीर पर गौर करें, ये जमा मुअन्नस की जमीर आई है, वहुन्ना
आयातुम बय्यिनातुन, ये मुरक्कब तौसीफी है खबर, और नकरा है, हालत रफा में है, इससे हम पहचानेंगे कि ये खबर है। ये चीज़ें हमारे हाफिज अहमद यार साहब कहते हैं कि इसको कहते हैं दिमाग की खुजली, और उनका कहना ये है कि अरबी पढ़ते हुए जब तक तुम्हारे दिमाग में खुजली नहीं होगी तुम्हें अरबी नहीं आएगी। जब अरबी पढ़ते हुए दिमाग में खुजली होने लगे कि ये रफा है तो क्यों है, और नसब है तो क्यों है, नकरा है तो क्यों है, और मारफा है तो क्यों है, जिस लम्हे दिमाग में ये खुजली होना शुरू हो जाए, समझ लो कि अब अरबी तुम्हारे समझ में आ रही है। ये हमारे हाफिज अहमद यार साहब की बड़ी पक्की बात है। चलें जी, तर्जुमा अभी, तर्जुमे तो अब कुछ रह ही नहीं गया उसमें। बेशक ज़मीन और सब आसमान मखलूक हैं या मखलूकात हैं, और वो वाज़ह निशानियां हैं। इन्ना शिर्क ज़लालुम मुबीनुन वहुवा ज़ुल्मुन अज़ीमुन, इसमें भी सब चीज़ें बहुत वाज़ह हैं। इन्ना की वजह से अश्शिर्क नसब में आया है, मारफा है, अश्शिर्क आया है, ये इन्ना का इस्म है। ज़लालुम मुबीनुन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, नकरा है, स्टेप बाय स्टेप चलें, और रफा में है। अब कंक्लूड करें कि यह खबर है। वह हुआ, अब देखें यह वाहिद मुजक्कर की जमीर आई है अश्शिर्का की वजह से। जुल्मुन अजीमुन, यह मुरक्कब तौसीफी है, नकरा है, और रफा में है, इसलिए यह हुआ की खबर है। यकीनन शिर्क एक खुली गुमराही है, और वो एक अजीम जुल्म है। अंता इब्राहीम, अगर वो एक लफ्ज न हो इसमें फिर अरबी क्या आएगी? कौन सा लफ्ज न हो? ये तो हम नकर हो गए, वो जुल्म अजीम और वो एक बड़ा जुल्म है, तो सिर्फ अगर लगे वो बड़ा जुल्म है, ठीक है। खबर में नहीं, खबर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि खबर, चूंकि खबर होने की वजह से नकरा होती है, इसलिए उर्दू मुहावरे में जहाँ एक लगाना मुनासिब होगा हम लगाएंगे, जहाँ नहीं होगा नहीं लगाएंगे। अंत इब्राहीम, इब्राहीमो, देखें वो जो एक्सेप्शन बताया था आपको, इब्राहीमो खबर आ रही है, मारफा है, लेकिन इसमें सिफत नहीं है, इसमें अलम है, इसलिए हमने एक्सेप्शन यही पढ़ा था कि अगर इसमें सिफत न हो तो खबर मारफा भी आ सकती है। इब्राहीमो जो है ये इसमें अलम है, एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर। तो अंता ज़मीर है, ये मुब्तदा है, और इब्राहीमो उसकी खबर है, इसलिए हम तर्जुमा करेंगे क्या तुम इब्राहीम हो, या तू कह, तू कह लें, आपकी मर्जी है। किसमें, किसमें देखें, जो लफ्ज बजाते खुद मारफा हो, ये मैंने पहले दिन बताया था आपको, वो तो अपने मारफा होने की वजह से मारफा है। मिसाल के तौर पे ज़मीरें हैं, मारफा हैं, इसमें इशारा है, मारफा है, इसमें अलम है, मारफा है। अलिफ लाम तो हम उस वक्त लगाते हैं कि कोई लफ्ज असलन नकरा हो और उसको मारफा बनाना हो। तो इब्राहिम तो नाम होने की वजह से मारफा है, इसमें अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हल, हल भी लग सकता है, हल अंता। वो मैंने बताया था लाम तारीफ, इसलिए कि लाम तारीफ का जो हमजा है वो हमजतुल वसल है, पीछे से मिलाने में वो साइलेंट होता है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। अंता का हमजा जो है ये पढ़ा जा रहा है, इसलिए आ लगाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई। आ अंता, क्या मा अना इब्राहीमा,
बल अना महमूद उन जिसमें अना जो है ये जमीर है, मुब्तदा है और इब्राहिमा माँ की खबर है इसके नसब में। बल अना महमूदुन, अब देखें महमूदुन पर माँ का असर नहीं आया, दरमियान बल आ गया है या वा आ जाए, नया जुमला शुरू हो जाए। तो नया जुमला फिर इंडिपेंडेंट ट्रीट होता है, पिछले जुमले में अगर कोई आमिल आया है तो उसका असर उस जुमले पर नेक्स्ट सेंटेंस पे कैरी ओवर नहीं होगा, इस चीज को नोट कर लें। मा अना इब्राहिमा, मैं इब्राहिम नहीं हूं, बल अना महमूद हूं, बल्कि मैं महमूद हूं। हल ज़ैनबु मुअल्लिमतुन कसलानतुन, अब ज़ैनबु इसमें अलम होने की वजह से मारफा है और हालत रफा में ये मुब्तदा है और मुअल्लिमतुन कसलानतुन ये मुरक्कब तौसीफी है, नकरा है और मारफा है, इसलिए ये खबर में। क्या ज़ैनब सुस्त उस्तानी है या एक सुस्त उस्तानी है, दोनों तर्जुमे सही हैं। ला मा हिया मुअल्लिमतन कसलानतन बल हिया मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, हिया ये वाहिद मुअन्नस की ज़मीर है, ज़ैनब के लिए आई है, मुब्तदा है और मुअल्लिमतन कसलानतन ये मुरक्कब तौसीफी है, नकरा है और हालत नसब में क्यों है, माँ की खबर होने की वजह से, इसलिए हम तर्जुमा करेंगे कि नहीं वो सुस्त उस्तानी नहीं है। मैंने कह दिया कि एक और उससे फर्क नहीं पड़ता है। बल हिया मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, अब फिर नोट करें कि वही सिफत फिर आ रही है लेकिन अब उस पर माँ का असर नहीं है, वो पूरा एक इंडिपेंडेंट मुकम्मल जुमला है, उस जुमले में कोई आमिल नहीं है, इसलिए खबर जो है वो बदस्तूर फिर मारफा में आई है, रफा में आई है। बल हिया मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, बल्कि वो मेहनती उस्तानी है या एक मेहनती उस्तानी है, दोनों दुरुस्त हैं। हल इस्लामु दीनुन हक्कुन, अल इस्लामु मारफा है और रफा में है, मालूम हुआ कि यह मुब्तदा है। दीनुन हक्कुन मुरक्कब तौसीफी है, नकरा है, रफा में है, इसलिए क्या इस्लाम एक सच्चा दीन है, क्या इस्लाम एक हक दीन है, बला क्यों नहीं, क्या इस्लाम सच्चा दीन है। जी वहुवा सिरातु मुस्तकीमुन, नोट किया आपने बला का इस्तेमाल, जब बला कह दिया तो पिछला जो जुमला था उसको अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें कोई मजीद इजाफा किया जा रहा है तब वो आगे बात आ रही है। वह हुआ सिरात मुस्तकीम, मतलब ये हो गया कि बला में वो चीज इम्प्लाइड है कि हाँ वो सच्चा दीन है, वो हक दीन है, ये बात बला में इम्प्लाइड हो गई, उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है। वह हुआ सिरात मुस्तकीम, तो हुआ यहाँ पे फिर दूसरा मुब्तदा है और सिरात मुस्तकीम उसकी खबर है। अद्दर्सु सहलुन लाकिन हुवा तवीलुन, अद्दर्सु मारफा और रफा में है, मुब्तदा है, सहलुन उसकी खबर है, सबक आसान है, लाकिन उर्दू में हम कहते हैं लेकिन, हुवा अब ये हुवा दर्स की जमीर है,
वाहिद मुजक्कर, मुब्तदा तवीलुन उसकी खबर, लेकिन वो लंबा है तवील है। अलैसा अल-फ़ीलु हयवानन ज़खीमन, लैसा आया है, अल-फ़ीलु ये मारफा और रफा में है, मुब्तदा है, और लैसा की वजह से खबर जो है वो नसब में आई है। हयवानन ज़खीमन, बड़ी जसामत वाला हैवान है, हैवान नहीं है क्या? हाथी बड़ी जसामत वाला हैवान नहीं है? बला, अब देखें बला का जो दूसरा इस्तेमाल नोट करें, बला के बाद वो पिछली बात दोहराई जा रही है, लेकिन उसमें एक सिफत का फिर इजाफा किया जा रहा है। अगर ये इजाफा मकसूद ना होता तो बला काफी था। बला का मतलब यही हो गया कि हाँ वो जखीम जान, बड़ी जसामत वाला जानवर है, लेकिन जिद्दन कहना मकसूद है, इसलिए वो पूरी बात रिपीट की गई है। बला क्यों नहीं, हुवा हैवानुन जखीमुन जिद्दन। वो बहुत ही बड़ी जिसामत वाला जानवर है, बहुत ज्यादा, बहुत ही। अंतुम खयातूना, ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम लोग दर्जी हो? मा नहनु बिखयातीना बल नहनु मुअल्लिमूना। देखें माँ की वजह से नहनों के बाद जो खबर आई है, बी लगा के हालत जर में लाई गई है, बिखयातीना, हम लोग दर्जी नहीं हैं। अब बल के बाद फिर जब जुमला शुरू हुआ है तो वह इंडिपेंडेंट जुमला है, अब उस पर पिछली माँ का कोई असर नहीं आएगा। बल नहनु मुअल्लिमूना, बल्कि हम लोग उस्ताद हैं। इन्नल मरअतैनी सालिहतैनी जालिसतानी, अल मरअतैनी सालिहतैनी, ये मुरक्कब तौसीफी है, मारफा है, और इन्ना की वजह से हालत नसब में है, ये इन्ना का इस्म बन गया। जालिसतानी ये नकरा है और रफा में है, इसलिए ये खबर है। दो नेक औरतें बैठी हैं, सिंपल, यकीनन, यस, बेशक या यकीनन, दो नेक औरतें बैठी हैं। इन्नल मुअल्लिमीना वल मुअल्लिमाती मबसूतूना, कोई कायदा याद आया आप लोगों को? अगर मुब्तदा एक से ज्यादा हो और मुख्तलिफुल जिन्स हो तो खबर मुज़क्कर होगी, ये उसका रिवीजन हो गया। इन्नल मुअल्लिमीना, इन्ना की वजह से अल मुअल्लिमूना से मुअल्लिमीना हुआ है, नसब में आया है। वल मुअल्लिमाती, ये भी नसब में, और उनकी खबर मबसूतूना मुज़क्कर, खुश दिल हैं, यकीनन असातज़ा और उस्तानियाँ खुश दिल हैं। लाकिन मा हुम बिमुश्तहिदीना, फिर देखें हुम जमा की ज़मीर आई है मुब्तदा में, लेकिन मुज़क्कर की आई है, हुन्ना नहीं आया है, हालांकि मुअल्लिमात शामिल हैं इसमें, चूंकि मुख्तलिफुल जिन्स हैं और दो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए अब रियायत मुज़क्कर की रखी गई है, हुन्ना के बजाय हुम। और मुज्तहिदीना, ये भी मुज्तहिदीना, ये भी मुज़क्कर है, मुज्तहिदातिन नहीं है, बेमुज्तहिदातिन नहीं है। चलें जी, अब ये उर्दू से अरबी ये हम बाद में चेक करेंगे, पहले ज़रा हम अगला सबक, अब किताब बंद, कॉपी बंद।
अच्छा जी, पहले सबक में हमने जो तीन एराबी हालतें पढ़ी थी उसमें हमने एक ये देखा था कि बाज़ औक़ात किसी इस्म को किसी दूसरे इस्म से निस्बत दी जाती है, और मिसाल उस वक्त क्या दी थी याद नहीं है, यूं समझ लें जैद की किताब, इसमें दो इस्म आए हैं, एक है जैद और दूसरा है किताब, किसको किससे निस्बत दी गई है, किताब को निस्बत दी गई है और जैद की तरफ निस्बत दी गई है, और ये निस्बत किस नौयत की है, मिल्कियत। ये नोट कर लें कि निस्बतें एक से ज्यादा हैं जी, नहीं यहां नोट करें, निस्बतें एक से ज्यादा हैं, हम काम को आसान करने के लिए मिल्कियत की निस्बत के हिसाब से कवायद समझ लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आप इतने अकलमंद हो जाएंगे कि हम सिर्फ इशारा करेंगे और आप बात समझ जाएंगे, बाकी निस्बतें सिर्फ हम इशारा करेंगे कि ये निस्बत है और आप समझ जाएंगे, तो इस वक्त हम सिर्फ मिल्कियत की निस्बत के हिसाब से चलेंगे। इसमें किताब को निस्बत दी गई है और जैद की तरफ निस्बत दी गई है, जिसको निस्बत देते दी जाती है उसको कहते हैं मुजाफ, और जिसकी तरफ निस्बत होती है वो कहलाता है मुजाफ इलैही। उर्दू में क्या तरतीब नजर आई आपको, कि पहले मुजाफ इलैही आता है और फिर मुजाफ आता है, अरबी में तरतीब उल्टी है, पहले मुजाफ आता है बाद में मुजाफ इलैही आता है, इसलिए तर्जमा करते वक्त हमें फिर वो तीर चलाना पड़ता है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अब इस क्लास में चलेंगे तीर। तो सबसे पहले हमने किताब का तर्जमा करना है और उसके बाद हमने जैद का तर्जमा करना है। और हमने ये देखा था कि किसी जुमले में किसी इस्म को इस्तेमाल करने से पहले हमें चार पहलुओं से उसे कायदे के मुताबिक बनाना पड़ता है। तो पहली बात यहां नोट करनी है जी के मुजाफ पर तनवीन नहीं आ सकती, जोर किस पे है, सख्ती पर, सख्ती का मतलब ये है कि नो एक्सेप्शन, ये वो कायदा है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा कोई कायदा पहले भी पढ़ा है आपने, जब लाम तारीफ आ जाए किसी इस्म पर तो उस पर तनवीन नहीं आ सकती, ये पक्का कायदा था नो एक्सेप्शन। इसी तरह से मुजाफ पर तनवीन नहीं आ सकती, ये पक्का कायदा है, मतलब ये हुआ कि अब किताब का तर्जुमा हम किताबुन नहीं कर सकते, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा उसूल ये है कि मुजाफ पर लाम तालीफ नहीं आ सकता, फिर वही सख्ता वाली बात है, नो एक्सेप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अल किताबो भी तर्जुमा नहीं कर सकते, तो फिर करें क्या, किताबू। और चूंकि दोनों कायदे विदाउट एक्सेप्शन है कि ना तो तनवीन आ सकती है ना लामे तारीफ आ सकती है, इसलिए मुजाफ बेचारा दूर से पहचाना जाता है,
उसको पहचानने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं। वही बात है हाफिज अहमद यार सावली, अगर दिमाग में खुजली हुई है तो लफ्ज पे नजर पड़ते ही जहन चौकेगा कि क्या बात है, ना लामे तारीफ है ना तनवीन है, तो फौरन जवाब मिलेगा कि फिर ये मुजाफ है, सिंपल। अब उसके बाद जैद का तर्जुमा करना है, जैद मुजाफ लह जो है वो हमेशा हालत जर में होगा, नो एक्सेप्शन। मुरक्कब इजाफी इस लिहाज से बड़ा आसान है, इसके कवायद में कम से कम इन दो कवायद में तो कोई एक्सेप्शन, तीन कवायद में एक्सेप्शन है ही नहीं, तो इसलिए ये हो गया। जैदिन उर्दू में तर्जमा करेंगे तो फिर क्रॉस करेंगे जैद की किताब, लेकिन अब जरा वो चारों एंगल चेक करें, हमने कौन कौन से एंगल की कवर किए हैं। वो सत कवर हो गई, अभी मुजाफ की बात कर रहा हूं, वो सत कवर हो गई इस लिहाज से कि ये यूनिक सिचुएशन है कि ना तनवीन होगी और ना लाम तारीफ हो। एराबी हालत, मुजाफ की एराबी हालत जो है वो वजह के हिसाब से तायुन होगा, ये रफा भी हो सकती है, नसब भी हो सकती है, जर भी हो सकती है। मुजाफ की बात कर रहा हूं, अभी हम चूंकि बगैर वजूह के पढ़ेंगे शुरू में, तो मुजाफ को हम रफा में रखेंगे, लेकिन आगे चल के जब हम वजूहात के साथ पढ़ेंगे तो फिर एराब जो है वो मुजाफ का चेंज होगा, रफा नसब जर में ये आएगा। दो चीजें तय हो गई, वुसत तय हो गई, एराबी हालत तय हो गई, जिन्स और अदद बाकी रह गए, इनके मुतालिक कोई कायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है किसी इस्म को, वो मुजक्कर भी हो सकता है, मोनस भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। मतलब किताब सिर्फ जैद की तो नहीं हो सकती, जैनब की भी हो सकती है। किसी एक तालबा की भी किताब हो सकती है और तालबात की भी किताब हो सकती है, तो चूंकि उसमें कोई वो नहीं है इसलिए ये दो पहलू जो हैं ये इसके आज़ाद हैं। मुजाफिले में देख लें, वुसत मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। किताब वाला दिन भी हो सकता है, किताब उल वलदी भी हो सकता है। क्या फर्क है इन दोनों में? किताब वलदिन किसी लड़के की किताब, एक लड़के की किताब, ये मखसूस लड़का जो बात करने वालों के जहन में मौजूद है, मौद है जहनी जिसे कहते हैं, लड़के की किताब। तो वुसत के लिहाज से मुजाफिले जो है वो मारफा नकरा दोनों हो सकता है। इसी तरह से जिन्स और अदद के लिहाज से भी खुला है हिसाब, जिन्स मुजक्कर भी हो सकती है, मोनस भी हो सकती है, अदद के लिहाज से वाहिद तस्निया जमा कुछ भी हो सकता है। हालत एराबी इसकी फिक्स है जर, बस। यानी इसमें मुजाफ में दो चीजें फिक्स हैं, वुसत के लिहाज से ना तो इस पे लामे तारीफ आ सकता ना तनवीन आ सकती, और दूसरी क्या फिक्स है? हाँ ठीक है भाई, एक ही फिक्स है इसकी भी,
इसकी वसत फिक्स है कि ना लामे तारीफ आ सकता ना तनवीन आ सकती। एराबी हालत इसकी चेंज होती रहेगी ज़रूरत के मुताबिक, जिन्स और अदद इसका चेंज होता रहेगा। इसकी एराबी हालत फिक्स है कि जर के अलावा नहीं हो सकता, और बाकी तीन हालतें जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक तब्दील होंगी। मगर ये ताबे नहीं होगी, वो अलग अलग। हाँ, वो मतलब ताबे कैसे हो सकती हैं कि एक किताब भी मिल्कियत हो सकती है और पूरी लाइब्रेरी भी मिल्कियत हो सकती है, मुजक्कर की भी मिल्कियत हो सकती है, मोनस की मिल्कियत हो सकती है, अलादल कैस। चलें जी, ये तो हो गया, अब जरा हम इसकी मशकें करेंगे।